Hello students, welcome to US Foundation, myself Dr. Vikas. In previous classes, I have discussed about the encephalitis syndrome, the definition part, the etiological factors and the various signs and symptoms of acute encephalitis syndrome. Right now, I will discuss about the examination and diagnostic part of acute encephalitis syndrome and the treatment part of acute encephalitis syndrome. तो सबसे पहले क्या है कि बच्चा अगर वैसा साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है तो उसको कन्फर्म करना बहुत ही नेसेसरी है। लोगों को जानना चाहिए ये बात कि कैसे कन्फर्म हो कि ना ये चीज़ें हैं ही इसको एक्यूट एन्सेफलाइटिस, क्योंकि बुखार होता है और पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा नेगलेंसी करते हैं, वो कुछ ऐसे एंटीपायरेटिक ड्रग दे देते हैं जिससे फीवर कम हो जाए, लेकिन फीवर कम करना ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है इसमें। तो आपको सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि नहीं, ये कंफर्म होना जरूरी है कि ये एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम ही है। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिन करिए बच्चे को। क्या करते हैं हम, पीपल को ऐसे डायलेट करके और उस पर लाइट जलाते हैं और इसके पीपल साइज के रिस्पॉन्ड को देखते हैं कि रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं लाइट से अंदर की तरफ, और साथ ही साथ उसके पीपल के साइज को भी देखते हैं, शेप को भी देखते हैं, सिमेट्री को भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि कोई थर्ड क्रेनियल नर्व का डिसफंक्शन तो नहीं हुआ है, ब्रेन स्टेम वगैरह का डिस्कम्फर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको रिस्पॉन्ड करके, ऐसे रिस्पॉन्ड करके देखते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चाइल्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, बड़े में ये खासकर चीज़ें लेबोरेटरी पार्ट से आप क्लियर हो जाता है। छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो वो सारी चीज़ें, और इम्पेयरिंग हेयरमेंट, और इससे हियरिंग लॉस का पता चलेगा कि है कि नहीं, देखने का पता चलेगा आपको आई के एग्जामिनेशन से। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, साथ ही साथ सेरम इलेक्ट्रोलाइट बहुत नीचे चला जाता है इसमें, बॉडी का सोडियम पोटेशियम वगैरह बहुत नीचे चला जाता है। तो वो अगर दिख रहा है, डिमार्केटेड स्टेट में है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चेस्ट एक्सरे भी करते हैं हम, चेस्ट एक्सरे से हमको पता चलता है कि कोई कंजेशन तो नहीं है चेस्ट में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं CSF एनालिसिस, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड जो बोलते हैं, ब्रेन का ही ये प्रॉब्लम है तो उसके लिक्विड को निकाल के और उसका एनालिसिस किया जाता है, उसी को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड एनालिसिस। इसमें पता चलता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं, और किस वजह से है, वहाँ पे कोई डैमेज तो नहीं किया है ब्रेन सेल्स को, तो ये CSF एनालिसिस से पता चलता है। और उससे एडवांस स्टेज में जाए तो MRI करा सकते हैं। MRI कराने के बाद ECG कराना जरूरी है, ECG से हम हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह या कोई ऐसा प्रॉब्लम है उससे रूल आउट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक पार्ट ऑफ एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर ले तो CSF एनालिसिस है और एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन और सेरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड कल्चर ये सब तो है ही, लेकिन ये सारा सेकेंडरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है सेरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट, CSF एनालिसिस और फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक्षण मैच करके हम पता लगा सकते हैं कि ना इस बच्चे को एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम है और इसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर अगर कोई एडल्ट है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसे नॉर्मल फीवर ना ले या नॉर्मल बहुत ज़्यादा फीवर है ऐसा सोच के ना रहें, आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाएं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाई फीवर है, रुक नहीं रहा है, मेंटल स्टेटस उसका चेंज हो रहा है, आईज वगैरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा। उसको हॉस्पिटलाइज करके उसके वहाँ पे सबसे पहले एयरवे मेंटेन करते हैं। एयरवे मेंटेनेंस में सबसे पहले आता है ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वेंटिलेशन पे उसको डाला जा सकता है, सर्कुलेशन उसका मेंटेन किया जाता है, जितने भी वाइटल साइंस होते हैं बॉडी के उसको मेंटेन किया जाता है। इसके बाद हाई फीवर होता है बहुत ज़्यादा, तो हाई फीवर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, बढ़ रहा है घट रहा है, और उसका मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट ऑफ फीवर चाहे तो वो एंटीबायोटिक से क्लियर करे, और साथ ही साथ उसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स भी देने पड़ेंगे, जो भी आप एंटीपायरेटिक्स ड्रग जानते हैं। इसके बाद उसको सीजर्स का अटैक आता है, बार बार सीजर्स आना और
एकाएक उसको झटके लगना, शरीर में झटके लगना और शरीर ठंडा पड़ जाना, बेहोश हो जाना, इन सारी चीज़ों को मेंटेन, इन सारी चीज़ों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसके लिए बेंजोडियाजिपिन देते हैं। बेंजोडियाजिपिन के बाद उसको हम फेनिटोइन का देते हैं। फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्सिस ड्रग है जो कि मिर्गी में दिया जाता, बहुत कॉमन है ये फेनिटोइन का। तो वहाँ पे इसको हम आईवी फ्लूड में चढ़ाना होता है। साथ ही साथ सेरम इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में ग्लूकोज लेवल, सोडियम पोटेशियम लेवल बहुत नीचे चला जाता, बॉडी बहुत वीक होती है, बॉडी इस बीमारी को झेल नहीं पाती है। तो सेरम इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें कि अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ही नीडेड है। अभी इसका एग्जैक्ट अननोन कॉज नहीं पता है, तो कुछ चीज़ें जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का ध्यान रखें कि हॉट ह्यूमिड कंडीशन है या बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है तो बाहर उसको खुले में ना खेलने दें, और एम्प्टी स्टमक ना रखें, पेट में खाली चीज़ें ना रखें ताकि उसको सीजर्स का या फिर अचानक से हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आना ना हो। एम्प्टी स्टमक ना रखें बच्चे को, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन रहना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी मस्किटो बॉर्न वगैरह या फिर जितने भी ये वायरसेस हैं जो हाई फीवर कॉज करते हैं, जैसे डेंगू या मलेरिया या टाइफॉइड ये वगैरह करते हैं, इन सारी चीज़ों बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से बचना है तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कहीं भी पानी ना जमने दे, जितने भी मॉस्किटो वगैरह लगा के हम इसे बच्चे को सुलाए, खुद भी सोए और कोई भी जगह पे पानी वगैरह ना जमने दे। ये सब एक मेंटेनेंस फेज में जाता है, ताकि आप उस फेज में ना जाएं। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में आप रखते हैं, प्रॉपर माल न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं हो, प्रॉपर डाइट वगैरह दें बच्चों को, जो भी प्रोटीन वगैरह हैं वो कुछ ना कुछ मात्रा में बच्चों को जाना चाहिए, ताकि माल न्यूट्रिशमेंट वगैरह या मैरेस्मस का प्रॉब्लम ना आए और एम्प्टी स्टमक बिल्कुल ना रखे। इन सारी बातों को ध्यान में रख के आप इस कंडीशन से बच सकते हैं, एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम। सबसे खतरनाक बात ये है कि ये फैटल डिजीजेस से बच्चे की मौत बहुत जल्दी हो जाती है, और ये एक्यूट है, ऑनसेट अचानक से एक्यूट होता है। तो डैट्स ऑल फ्रॉम दिस स्लाइड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फैटल डिजीज। डैट्स ऑल फ्रॉम दिस स्लाइड। We will further discuss about the more severe diseases and their causes and treatment. Thank you. Kitna?